अच्छी बात, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने ब्रेक को तो आप इसमें वी ब्रेक भी इंस्टॉल कर सकते हो, और इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है, आप डिस्क ब्रेक भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे दो होल्स दे रखे हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में देखो गाइस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और ये हमारा थ्रेडलेस वाला है, नॉन थ्रेडलेस वाला है। थ्रेडलेस का जो होता है उसमें हम बैरिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके मामले में भी हमारा किलर और मिलर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। मैं सो हे गाइस, होप यू ऑल ऑफ गुड, आई एम आकाश चोपड़ा, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू बाइसिकल वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। देखो गाइस, आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे मेरे को कि भाई सस्पेंशन वाली बाइसिकल लेनी चाहिए या नॉन सस्पेंशन बाइसिकल लेनी चाहिए, तो आपका जो कंफ्यूजन था वो आज मैं दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी सस्पेंशन वाली बाइसिकल अच्छी रहती है या नॉन सस्पेंशन वाली बाइसिकल अच्छी रहती है, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो टोटल आपको मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल में वो भी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यार वीडियो पसंद आती हो तो यार प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे फॉक, तो इन्हीं के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये हमारा नॉर्मल फॉक, और ये हमारी कुछ बेसिक बाइसिकल्स में आता है, जैसे स्टार्टिंग की जो 4000 5000 या 6000 रुपए की साइकिल है उनमें हमारा ये नॉर्मल फॉक आता है। तो इसमें हमें सस्पेंशन नहीं मिलता है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कई प्रकार के हमारे फॉक आते हैं सस्पेंशन और नॉन सस्पेंशन। तो ये हमारा बेसिक वाला है जो स्टार्टिंग आता है, मतलब अपने वी ब्रेक भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें हमारे डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक भी हम इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। रीज़न बताऊंगा मैं क्यों नहीं कर सकते। इसमें हम अपना कैलिपर वाला ब्रेक लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, तो सिर्फ वही वाला ब्रेक हम इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम इस पर स्टंट कर सकते हैं कि नहीं, भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, आप इस पर स्टंट बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट सकता है और आपको चोट भी लग सकती है जिस वजह से। और उसके बाद बात करते हैं कि ऑफ रोडिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो गाइज़ आप इस पे ऑफ रोडिंग भी नहीं कर सकते हो। और गाइज़ अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो लगभग 200 से 300 या 400 तक आपको ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। चीपेस्ट भी है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है इसकी, मतलब अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। इसलिए आपको ये कुछ बेसिक बाइसिकल्स में अवेलेबल होता है जो कि हमारी नॉर्मल सी सस्ती वाली बाइसिकल्स आती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सस्पेंशन वाला फॉक जो हमें मिलता है वीबो की साइड से। और गाइस अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये मतलब हमारा एक बाइसिकल्स को एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है, और हम इसमें वी ब्रेक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने ब्रेक को तो आप इसमें वी ब्रेक भी इंस्टॉल कर सकते हो, और इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है, आप डिस्क ब्रेक भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे दो होल्स दे रखे हैं जिसमें हम अपना कैलिपर लगा सकते हैं डिस्क ब्रेक वाला, और थोड़ा और अच्छा अपनी बाइसिकल्स के लुक को बना सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप इसको किसी भी बाइसिकल्स में इंस्टॉल कर सकते हो, नॉर्मल वाली में भी, सब में, स्टैंडर्ड बाइसिकल्स में भी या नॉर्मल वाली में भी। मैं आपको और किसी वीडियो में इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा नॉर्मल बाइसिकल्स में जिसमें हमारा विदाउट सस्पेंशन वाला फॉक लगा होगा। तो गाइस इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी करता है ऑफ रोडिंग करने में, क्योंकि ये हमें 16 mm का लगभग ट्रेवल्स देता है जिससे हमारी बाइसिकल्स जंप करती है। बात इससे हमारी जो बाइसिकल्स का लुक हो जाता है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाता है, और एक अच्छा मतलब देखने में भी ज़बरदस्त लगता है हमारी बाइसिकल्स का लुक। सामने से अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा, बाइसिकल्स के लुक को चार चांद भी लगा देगा ये सस्पेंशन वाला फॉक। और इसमें हमारी डिस्क ब्रेक की वायर के लिए भी यहाँ पे स्लॉट दे रखी है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इस पर हम भाई, और जो हमारे स्टंट लवर है और बाइसिकल्स पे स्टंट करना जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भाई अपनी बाइसिकल्स में इसको इंस्टॉल करो, और मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल सस्पेंशन फॉक एनी बाइसिकल्स जिसमें हमारा नॉर्मल वाला फॉक लगा होगा। तो इससे हमारी जो स्टॉपी या हम अपनी साइकिल को उठा सकते हैं फ्रंट से, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा फन कर सकते हैं अपनी बाइसिकल्स पे, की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी हमारी स्टॉपी या व्हीली जो भी हम करेंगे, व्हीली करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी यार सस्पेंशन वाले फॉक की। व्हीली और स्टंट वाले जो भी है हमारे दोस्त लोग हैं तो भाई वो अपनी बाइसिकल्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो लगभग 1000 के लगभग ये हमारा
अप्रोक्स मिल जाएगा आपको इजीली बाइसिकल शॉप पे। उसके बाद हम बात करते हैं इससे थोड़े से ऊपर वाले फॉक के बारे में, और सबसे लास्ट में हमारा ये थ्रेडलेस वाला सस्पेंशन। और गाइस इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और भाई जो उसका ट्रैवल होने वाला है वो भी लगभग 16 mm का होने वाला है। लेकिन इसके कंपैरिजन में देखो गाइस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। और ये हमारा थ्रेडलेस वाला है, नॉन थ्रेडलेस वाला है। थ्रेडलेस का जो होता है उसमें हम बैरिंग इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हमारी हैंडलिंग हो जाएगी। ये हमारा किलर और मिलर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा देखने में भी, और जो मतलब स्ट्रॉन्ग भी है काफ़ी। और मेरे को तो पर्सनली ये वाला भाई सबसे अच्छा लगा हमारा थ्रेडलेस वाला सस्पेंशन, क्योंकि इसमें यार एक तो हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलर्स अच्छा मिलेगा, ज़्यादा स्मूथ हमारी बाइसिकल्स को ये प्रोवाइड करेगा लगभग दूसरे। और इसमें हम अपना बैरिंग वाला कॉन्सेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हमारी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, और ऑफ रोडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है गाइज हमारी। और बहुत ही कमाल का है ये, इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो भाई। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 1500 का ये हमें इजीली मिल जाएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और गाइस यही था आज की वीडियो में, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना। और अगर मेरे को कुछ भी अपनी वीडियो में इंप्रूव करना हो तो उसके लिए भी यार मेरे को कमेंट कर देना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।